अगर आपने भी की है गलती तो अटक सकती है 15 रुपए किश्त, जाने आप डिटेल्स। देखिए मौजूदा सरकार गरीब वर्ग के लिए काफी सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इसी योजना में आपका फायदा हो सकता है कि रुक जाए। नमस्कार, भारत 24 का सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए अगर आपने भी गलतियां की हैं तो अटक सकती हैं आपकी भी 15 रुपए किश्त। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतियां जिसके कारण से आपकी ये 15 रुपए किश्त अटक सकती है। देश में कई तरह की सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका उद्देश्य गरीब वर्ग और हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाना है। इनमें बीमा है, रोजगार, शिक्षा, आवास, पेंशन, स्वास्थ्य समेत कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं इसमें शामिल है। इनमें एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे किसानों के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए यानी कि सालाना कुल मिलाकर 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। इस बार किसानों को 15वीं किश्त जारी होगी, इसी का इंतजार किसान भी कर रहा है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण कई किसान इस किस्त के लाभ से इस बार वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कौन सी गलती है जिसके कारण से आपको मिलने वाला किश्त का लाभ रुक सकता है। देखिए आगे जो आप देख रहे हैं उसमें आप जरा समझिए, पीएम किसान योजना से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ई KYC करवाना बेहद जरूरी है। ये है नंबर 1 स्टेप, जो जांच लेना, अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपकी 15वीं किश्त रुक सकती है। अगर आप इसे नहीं करवाते हैं तो ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है और ऐसा करने से आपकी किश्त भी अटक जाएगी। इसलिए अपने नज़दीकी CSE सेंटर जाइए, बैंक से, या फिर खुद भी किसान पोर्टल पर जाकर pmkisan.gov.in पर जाकर आप अपनी ई KYC करवा सकते हैं। नंबर 2, उन किसानों के लिए भू सत्यापन करवाना जरूरी है जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस काम को नहीं कराते हैं, गलती हो गई आपसे, तो किश्त आपकी अटक जाएगी, इसलिए इस काम को भी जल्दी से करवा लें। नंबर 3, पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों को आधार लिंकिंग करवाना जरूरी है। दरअसल किसानों को आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किश्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। और नंबर 4, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, जैसे आपका नाम, जेंडर, बैंक खाता संख्या गलत लिखना, आधार नंबर का गलत होना आदि। अगर इनमें से कोई भी गलती आपने की है तो फिर आपको ये किश्त जो कि जल्द ही जारी होगी आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगी और आप उसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो इन 4 आप बातों को खासतौर पर देख लीजिएगा। आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो तुरंत से कर लीजिए, वरना आपके खाते में आ रही ये राशि रुक जाएगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा कीजिए, क्योंकि इसका लाभ बाकी के किसानों तक भी पहुँचेगा। नमस्कार।